तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो आज हम ग्रामर का लास्ट टॉपिक टेंसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टेंसेस की सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। टेंस इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की एक फॉर्म जो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है, एक रिलेशनशिप बताती है हमें टाइम और एक्शन के बीच में। टाइम और एक्शन के बीच में रिलेशन का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आप ये समझिए, टेंस क्या होता है? एक वर्ब का फॉर्म है जो हमें टाइम और एक्शन के बीच में एक रिलेशनशिप बना के दिखाती है। जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या है? टाइम दैट इज नाउ, जो टाइम अभी चल रहा है, ठीक है। फ्यूचर क्या है? टाइम दैट इज येट टू कम, टाइम जो अभी हुआ नहीं है लेकिन कुछ ही समय बाद आने वाला है। पास्ट, पास्ट क्या हुआ? टाइम जो पास हो चुका है, ठीक है। लेट्स कंसिडर द सेंटेंसेज गिवन बिलो, नीचे सेंटेंसेज दिए गए हैं, इन्हें देखते हैं। हरी ईट्स अ मैंगो, तो ईट्स क्या है? एक वर्ब का फॉर्म है। जो मैं क्या बताता कि ये जो एक्शन हुआ है ये कौन से टेंस में हुआ है? प्रेजेंट में हुआ है। तो टाइम और एक्शन के बीच में, टाइम क्या है? प्रेजेंट, ठीक है, और एक्शन क्या है? ईट्स। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाया गया है। तो ऐसे ये देखिए, हरी विल एट अ मैंगो फ्यूचर, हरी एट अ मैंगो पास्ट, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस, टेंसेस को तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है, ये तो आप जानते होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हम अभी इनके मतलब देखेंगे। पास्ट में भी यही होता है, फ्यूचर में भी यही होता है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, या फिर इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? कि जो हमारा हैबिचुअल एक्शन हो, मतलब जो हमारे एक हैबिट हो, एक ऐसा एक्शन जो हमारी हैबिट हो, हम जो हम रोजाना करते हो, ठीक है, कस्टम हो या फिर कोई रीति रिवाज हो। जैसे आई वॉच टेलीविजन ऑन संडेज, तो मैं टेलीविजन संडेज को देखता हूँ, तो ये क्या हुआ? एक हैबिचुअल एक्शन हुआ, एक एक्शन जो किसकी वजह से होता है? एक हैबिट की वजह से जो डेवलप हो चुकी है, उसी को हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। शी गेट्स अप एवरी मॉर्निंग, और टेंस कौन सा होगा इसमें? प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। शी गेट्स अप एवरी मॉर्निंग, इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करना, आई वॉच, वॉच, ठीक है, वॉच के अलावा गेट्स, वॉक्स, ओपन्स, ठीक है। तो ये जो है एस से जो स्टार्ट होते हैं, तो आप एस से जो एंड होते हैं, जिसमें जो वर्ब है सेंटेंसेस में जो वर्ब एस से एंड होते हैं, आप उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर हम यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ की बात करें, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन उगता कहां से है? ईस्ट के डायरेक्शन से उगता है। ऑनेस्टी जो है वो सबसे बढ़िया पॉलिसी है, ठीक है। तो ये जो चीजें जो मतलब सच हैं, इन्हें पूरी दुनिया में सच है, इन्हें कोई बदल नहीं सकता। ऐसे नहीं कि इंडिया में अगर ईस्ट में आता है राइज होता है तो अमेरिका में वेस्ट में राइज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे यूनिवर्स के लिए मतलब अप्लाई होती है, जो बातें उन्हीं को हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो वो भी कौन से टेंस के अंडर आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फिर बात करते हैं टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट, अब हम अगर एक फ्यूचर इवेंट की बात भी हम किससे करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस से करते हैं। कौन सा फ्यूचर इवेंट? जो एक प्लान या फिर एक अरेंजमेंट का पार्ट है, जैसे द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक, अब स्कूल अगले हफ्ते खुलेगा, लेकिन ये किसका पार्ट है? एक प्लान का पार्ट है या फिर एक एग्रीमेंट का पार्ट है। तो इसे हम क्या कंसिडर करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कंसिडर करते हैं, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस कोट्स विद द वर्ब सेज, अगर हम कोट्स इंट्रोड्यूस करें, और किस वर्ब से? सेज वर्ड से, जैसे न्यूटन सेज कोट्स, ठीक है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो भी किसमें आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, ठीक है। फिर विविड नरेशन एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर सिंपल पास्ट, पास्ट की जगह हम क्या करते हैं? नरेट करते हैं, मतलब कोई भी चीज बोल के बताते हैं जो हो चुकी है पहले से ही, तो उसे भी हम सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं। जैसे रावणा फाइट्स, तो अब यहाँ पे हमने एस लगाया, मतलब अभी अभी नरेट कराई है हमने, नरेट मतलब कहानी तो अभी सुनाई, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। रावणा फॉट होता तो फिर ये पास्ट टेंस होता, लेकिन हमने क्या बोला? एक नरेट किया पूरा इवेंट, कि रावणा फाइट्स ब्रेवली बट ही स्किल्ड इन दी एंड, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हेयर और देयर से शुरू होते हैं, जैसे हेयर यू गो, देयर ही गोज, तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हेयर या फिर देयर से शुरू होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंडर ही आते हैं। फिर बात करते हैं टाइम क्लॉजेस की और कंडीशनल क्लॉजेस की इन प्लेस ऑफ सिंपल फ्यूचर, ठीक है। इफ यू डू नॉट अर्न मनी, अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे, यू विल नॉट बाय दी हाउस, तुम घर नहीं खरीद पाओगे। सबसे पहले मैं आपको क्लॉजेस के बारे में बताता हूँ। क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस होते हैं जब आप मतलब सब्जेक्ट और वर्ब एक ही सेंटेंस में आते हैं, मतलब एक फ्रेज टाइप का बनता है, ठीक है। तो जैसे इफ यू डू नॉट अर्न मनी, यू विल नॉट बाय द हाउस, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंडर ही आएगा। अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या क्या रूल है देख लीजिए। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या लगेगा? एस लगेगा वर्ब के एंड में या फिर ई है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ठीक है, प्लस कुछ भी आ सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। जैसे दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, शी कुक्स, कुक्स आया यहाँ पे। जैसे दे क्या है?
प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, सिंपल प्रेजेंट टेंस, शी कुक्स, एस लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी कुक्स, कुक्ड नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है कुक्स, ठीक है, हाँ बढ़िया, शी कुक्स, ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की और क्या लगा है, एस लगा है एंड में, तो बस आपको ऐसे ही करना है, एक बार देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, अब नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो डज नॉट लगेगा उसके साथ और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो डू नॉट लगेगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एग्जाम्पल देखते हैं, रीना डज नॉट, रीना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज नॉट वॉच टेलीविजन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉच, वॉच्ड नहीं है, वॉच है, ठीक है। वी डू नॉट स्मोक, वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और क्या लगेगा इसके साथ, डू नॉट, ठीक है, देख लीजिए यहां पे भी, बढ़िया। अब रूल्स फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल होते हैं, जैसे डू या डज, डू या डज के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, क्वेश्चन वर्ड के साथ होगा, अगर स्टार्टिंग किससे हुई, क्वेश्चन वर्ड से हुई तो डू डज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ठीक है। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्ले क्रिकेट, ठीक है। डज शी वॉश वॉश क्लोथ्स, ठीक है, तो ऐसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, देख लीजिए इन्हें भी, काफी आसानी है, तो ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एक एक्शन डिस्क्राइब करने के लिए जो प्रोग्रेस में है, मतलब जो एक्शन अभी भी चल रहा है या फिर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। जैसे शी इज प्लेइंग टेनिस, वो अभी भी टेनिस खेल रही है, वी आर वॉटरिंग द प्लांट्स, हम पौधों में पानी डाल रहे हैं, ठीक है। एन एक्शन दैट इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इज इन प्रोग्रेस, एक एक्शन जो अभी मतलब जब हम बोल रहे हैं तब नहीं हो रहा है लेकिन प्रोग्रेस में है, मतलब चल रहा है। ही इज वर्किंग इन एन एमएनसी, वो एमएनसी में काम कर रहा है, अब जरूरी तो नहीं है वो अभी एमएनसी में काम कर रहा हो, क्या पता अभी वो रेस्ट कर रहा हो, आराम कर रहा हो, अपनी फैमिली के साथ हो, तो लेकिन तब भी ये जो काम है उसका प्रोग्रेस में है, ठीक है। जैसे आई एम टीचिंग इन स्कूल, मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, अब 24 घंटे तो स्कूल में नहीं पढ़ाते ना, ठीक है, तो मतलब जब हमने बोला हो तो ये जरूरी नहीं है कि उस वक्त भी वो काम ही कर रहे होंगे, लेकिन उनका जो काम है, उनका जो वर्ब है, वो किसमें आएगा कि ऐसा लगना चाहिए कि प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो एक्शन मतलब अभी भी चल रहा है। अब नेक्स्ट है एन एक्शन दैट हैज बीन प्री अरेंज्ड, एक एक्शन जो पहले से ही अरेंज किया गया है जो फ्यूचर में होगा, जैसे द वेडिंग, शादी जो है वो पहले से ही प्री प्लान्ड होती है, ठीक है। द वेडिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन संडे, वेडिंग संडे को होगी, तो ये किसमें आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आपने देख लिया होगा वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे आईएनजी आ रहा है, ठीक है, तो ये पैटर्न्स याद रखे, आपको पहचानने में आसानी होगी। परसिस्टेंट एंड अनडिजायरेबल हैबिट स्पेशली विद एडवर्ब्स लाइक ऑलवेज, कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली एक्सेट्रा, अगर हमने ऐसे एडवर्ब्स का इस्तेमाल करा जैसे ऑलवेज, कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली, तो ऐसे किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, अनडिजायरेबल हैबिट्स के लिए, ऐसे हैबिट जिनको हम अपने अंदर नहीं चाहते थे, जैसे यू आर ऑलवेज रनिंग मी डाउन, इज कॉन्स्टेंटली गेजिंग एट मी, वो हमेशा मुझ पर घूरता रहता है, तो कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल हुआ है, गेजिंग आईएनजी देख सकते हैं वर्ब में, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें भी आप रूल्स देख लीजिए, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इज एम लगेगा, उसके बाद क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आर लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी प्लस आईएनजी जुड़ जाएगा, एग्जाम्पल आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई एम इज या एम लगेगा, आई एम प्लेइंग अ गेम, ठीक है, आईएनजी लगाना वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्ले हो गया उसके साथ आईएनजी लगा दिया, बढ़िया। शी इज रीडिंग अ बुक, फर्स्ट फॉर्म वर्ब वी, प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें उसकी जगह और उसके बाद क्या लगेगा, आर लगा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है गो, उसके साथ आईएनजी जुड़ा तो गोइंग हो गया, वी आर गोइंग टू शिमला। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल देख लेते हैं, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज एम आएगा, उसके बाद नॉट लिखा जाएगा, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आईएनजी, ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा, आर आएगा, नॉट आएगा, आर के बाद नॉट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर आईएनजी, एग्जाम्पल राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, राम इज नॉट सफरिंग द इंटरनेट, सर्फिंग सॉरी, राम इज नॉट सर्फिंग द इंटरनेट, तो राम इज या एम लगना था, इज लगा, फिर नॉट सर्फिंग, सर्फ सर्फ है वर्ब और आईएनजी लग गया तो सर्फिंग हो गया, ठीक है। जैसे दे प्लूरल सब्जेक्ट, आर नॉट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या, वॉच और उसके साथ आईएनजी लग गया, दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी। अब रूल्स फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल होंगे, इज आर एम, इज आर एम लगेगा सबसे पहले सेंटेंस में, फिर सब्जेक्ट आएगा, इंटरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछे, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग इज एम या फिर आर से होगी, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके बाद आईएनजी, क्वेश्चन वर्ड, और जब क्वेश्चन वर्ड कभी कभी वाई हाउ तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब, फिर आईएनजी। जैसे इज रीना कुकिंग द फूड, तो ये इसका एग्जांपल है। व्हाट यहाँ पे क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, इज एम आर लगेगा, तो इज, सब्जेक्ट रवीना, फर्स्ट फॉर्म वर्ब डू,
और प्लस आईएनजी, व्हाट इज रवीना डूइंग हियर, तो आपको ये ऐसे करना है. एक्सेप्शंस देख सकते हैं आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की. द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ये वर्ब जो है उनके मतलब के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होते. जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और सेंसेस, सी, हेयर, स्मेल, नोटिस, ये वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस हो गया, ये सब जो है नॉर्मली इनका इस्तेमाल नहीं होता है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. तो आप देख सकते हैं हैव, ओन, पोजेस, बी. पैसिव में इस्तेमाल, जब हम पैसिव वॉइस वगैरह पढ़ेंगे आपको एक बार समझा दूंगा, तो पैसिव स्टेटमेंट में होता है इनका इस्तेमाल, इसका पैसिव में भी नहीं होता है, इसका नहीं होता है इस्तेमाल, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एक बार. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू.